स्वागत है दोस्तों मेरा इस नए वीडियो में। अगर दोस्तों आप लोग सच में एडिटिंग सीखना चाहते हैं वही इस वीडियो को देखें। अगर आप एडिटिंग सीखना नहीं चाहते तो आप अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ कि आप अपने फ़ोटो को HD में कैसे बना सकते हैं। बहुत लोगों का आप लोग फ़ोटो देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये लोग कैसे एडिट करते हैं, मेरे से तो होता ही नहीं है। तो होता इसलिए नहीं है गाइस कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। अगर आप इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे ना गाइस तो बहुत ही अच्छी तरीके से एडिटिंग करना सीख जाओगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा गाइस। मैं बहुत ही इजी स्टेप में ये एडिटिंग बताया हूँ, बहुत ही इजी स्टेप में। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और कहीं भी कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है गाइस। बस आप अगर इस वीडियो पर क्लिक किए तो पूरा ज़रूर देखिएगा गाइस। अगर पूरा देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीका एडिटर बन जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं गाइस, चुपचाप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेप हुए हैं गाइस उसको हम लोग पहले स्नैपशॉट में फ़ोटो को लेकर चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों फ़ोटो को स्नैपशॉट में लेकर चलते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो फ़ोटो को स्नैपशॉट में लेकर चलते हैं आप लोग गाइस। स्नैपशॉट में जाने के बाद आपको टूल्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो ट्यून इमेज का सबसे फर्स्ट में जो ऑप्शन दिख रहा होगा ये वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है गाइस। तब को इस पर क्लिक कर देना है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, इसके कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा ही बढ़ा लीजिएगा, सैचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लीजिएगा। ये सब बेसिक सेटिंग है गाइस, ये सब आप अपने फ़ोटो के हिसाब से कर सकते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ से इसको कर दीजिएगा डन गाइस। फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से फिर से टूल्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर टूल्स पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। फिर आप लोगों को जो एक लास्ट में एक विंटेज का ऑप्शन दिया हुआ होगा, लैंप की लाइट की तरह बढ़ रहा होगा ये वाला, मैं आपको एरो करके दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ सेटिंग को याद रखना है, देन आपको यहाँ पर जो 10 नंबर है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप लोगों को इसका सेचुरेशन को फुल्ली माइनस कर देना है, इसका विग्निटी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा घटा लेना अपने हिसाब से। और ये सब टूल बहुत ही इजी टूल है गाइस, आप लोग इसे आराम से यूज कर सकते हैं। बस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लीजिए और यहाँ से इसको कर दीजिए डन गाइस। सेटिंग में आप लोग को दिखा देता हूँ, आपको सेटिंग कोई दिक्कत नहीं होगा करने में। ये सेटिंग को आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा गाइस, बहुत ही मस्त सेटिंग है, आप फोटो पर जरूर अप्लाई कीजिएगा एक बार। तो यहाँ से सेटिंग को कर लेते हैं सेव और फोटो को भी। तो यहाँ से मैं फ़ोटो को कर लेता हूँ सेव। इतना करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, जो हमारे कपड़ों पर और फेस पर से इस पार्ट को हटाने थे इस पर क्लिक कर देंगे हम लोग सिंपली, और यहाँ से हम लोग व्यू एडिट्स पर क्लिक कर देंगे। व्यू एडिट्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या कर देना है, इसको इन्वर्ट कर देना है पूरा, और इसका जो सेटिंग है वो आपको जीरो रखना है। यहाँ पर देख लीजिए जीरो में रखा हूँ, और फोटो को आपको जूम करना है। जूम करने के बाद जो हमारे कपड़ों पर से इसको हम लोग यहाँ से इरेज कर लेते हैं सिंपली। तो यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ दोस्तों। मैं वीडियो अगर फास्ट इसलिए किया हूँ ताकि आपके ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, तो आप लोग बहुत ही आराम से कीजिएगा। मैं वीडियो को फास्ट कर लिया हूँ, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। पहले आप लोग चाहे तो ये पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैं इसमें सिर्फ इरेज करने का बताया हूँ, तो आप लोग चाहे तो इसको बढ़ा कर भी देख सकते हैं गाइस। तो मैं पहले बहुत ही अच्छी तरीका से इसको इरेज कर लेता हूँ पहले। और हाँ गाइस, आपको ये ध्यान रखना है कि आप लोग को इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इरेज करके रखना है। अगर आप लोग अच्छी तरीके से इसे नहीं करेंगे तो आपका फ़ोटो बहुत ही ख़राब लगने लगेगा, जैसा आप लोग सोचते हैं वैसा नहीं होगा एडिट गाइस। तो इतना आप लोगों को कर देना है सिंपली, जो भी स्क्रीन का पार्ट है उसके ऊपर से आपको इसको इरेज कर देना है। तो जो भी मेरा स्क्रीन का पार्ट है उसको मैं सिंपली यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारा जो हो गया इरेज, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमारे बाहर बैकग्राउंड पर भी आ गया है। तो इसका हम सेटिंग को सॉल्व कर इसको हम लोग बाहर से थोड़ा सा बंद कर रहे हैं।
इतना देख लीजिएगा, आप लोग को भी इतना ही करना है। ये देखिए हमारा इस तरीके से फोटो को एडिट हो रहा है, और ये बहुत ही इजी स्टेप है गाइज, आपको कुछ भारी एडिटिंग नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सेटिंग याद रखना है, ये बहुत ही इजी स्टेप से गाइज आप लोग को सिंपली इसे बढ़िया तरीके से करना है, तभी आपका फोटो बहुत ही बढ़िया तरीके से बन पाएगा। फिर यहाँ से फिर से आपको टूल्स पर क्लिक कर देना है, और आपको ट्यून इमेज का ऑप्शन जो पहले वाला था उस पर क्लिक कर देना है सिंपली, और यहाँ से इसका वार्म्थ को पूरा माइनस कर देना है। इतना करने के बाद आप लोग को इसको जो सेटिंग है थोड़ा बहुत बढ़ा घटा लीजिएगा, इतना आप लोग चाहे तो इस सेटिंग को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तभी आप इस प्रकार के एडिटिंग कर पाएंगे। और फिर से मैं अपने कपड़ों पर से और अपने बालों पर से चेहरे पर से इस कलर को हटाऊंगा, तो यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ ये टूल्स पर क्लिक हो गया गाइस। हम लोग यहाँ से पहले जो पहला स्टेप किए थे इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, फिर व्यू एडिट्स पर क्लिक कर देना है, फिर से इन्वर्ट कर देना है इसको, सेटिंग को जीरो रख देना है गाइस, सब वही सेटिंग है गाइस। और फिर इस प्रकार से कपड़ों पर से इसे हटा लीजिएगा आसानी से। तो यहाँ पर मैं कपड़ों पर से इसे हटा लिया हूँ गाइस सिंपली, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं डन गाइस। इतना करने के बाद आप लोगों को बैक आ जाना है, फिर से बिफोर आफ्टर अपने फोटो को देख लेना है कितना मस्त हमारा फोटो एडिट हो चुका है गाइस। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है गाइस कि कपड़ों को जो सीवी लुक है वो कैसे करें, तो यहाँ से हम इस फोटो को कर लेते हैं शेयर पिक्सार्ट ऐप के अंदर, तो इतना करने के बाद हम लोग यहाँ से फोटो को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन करेंगे गाइस सिंपली। यहाँ से हम फोटो को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ले आएंगे गाइस, तो दोबारा लेके आया तो मेरा इन्वर्ट हो गया था, तो यहाँ पर मैं पिक्सार्ट को ओपन कर लेता हूँ। और पिक्सार्ट में है ना गाइस जो हम अपने कपड़ों को सीवी लुक और कपड़ों में ब्राइटनेस ऐड करेंगे, इसलिए मैं पिक्सा टैब को ओपन किया हूँ। तो यहाँ से जब पिक्सा टैब को आप क्लियर डाटा करके ओपन कीजिएगा तो अलाउ मांगेगा, इतना कर दिया हूँ मैं। फिर यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, कुछ ज़्यादा स्टेप नहीं करने का, आपको यहाँ पर एफ एक्स पर क्लिक कर देना है, फिर आप लोग जो नीचे वाला है ना इसको आर्टिस्टिक पर क्लिक कर देना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ याद रखना है गाइस कि मैं किस पर क्लिक कर रहा हूँ, बाकी आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको आर्टिस्टिक पर क्लिक कर देना है गाइस, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो इसका सेटिंग उसको मल्टीप्लाई कर देना है, देन आप लोग को इरेजर पर क्लिक कर देना है, इरेजर पर आप लोग को क्लिक कर देना है सिंपली, और यहाँ से इसको इन्वर्ट करके इन्वर्ट पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, फिर ब्रश वाले टूल को लाइएगा और फिर अपने कपड़ों पर इसे इस प्रकार से कर दीजिएगा गाइस। तो मैं इन्वर्ट पर क्लिक कर, आपको पहले ध्यान रखना है आपको इन्वर्ट पर क्लिक करके ही करना है गाइस। तो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी अपने कपड़ों पर कर लेता हूँ इसको, ये इफेक्ट डालने से हमारे कपड़ों में एक सीवी लुक आता है गाइस, जब भी आपको ख़राब लग रहा होगा, लेकिन मैं इस पर अभी कलर ऐड करूँगा
तो बहुत ही सीवी लुक और HD में आएगा जैसे आप थंबनेल पर देखे थे। तो ये देखिए गाइस मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ इसको, आप लोग को भी ऐसे ही करना है गाइस, तभी आपका फोटो बहुत ही HD में बन पाएगा। तो बढ़िया तरीके से आपको इसको करना है गाइस, जल्दबाजी नहीं करना है आप लोगों को। इतना करने के बाद आपको यहाँ से सेव सेव कर देना है फोटो को टिक पर क्लिक करके। अब जो हम इसमें कलर ऐड करेंगे गैस, जिससे हमारा सीवी लुक आएगा, तो हम लोग उस पर क्लिक कर देते हैं। पहले आपको ड्रॉ टूल पर आ जाना है, ड्रॉ पर आने के बाद आप लोगों को कलर पर जाना है, लाल का कलर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको एक नॉर्मल पर मिल रहा होगा, नॉर्मल उस पर क्लिक कर देना है इस पर। यहाँ से आपको एक डार्कन दिख रहा होगा, इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको फोटो पर ऐसे जूम करना है और कपड़ों पर ऐसे ड्रॉ करना है, इसका साइज को आप लोग बढ़ा लीजिएगा। तो ये देखिए मैं कुछ इस प्रकार से आपको कर देना है गैस। पहले आपको जो बाहर का आउटलाइन है उसको आप लोग ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा गैस, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। पहले देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बाहर का एरिया, ताकि मैं अंदर में पूरा साइज बढ़ा के कर सकूँ। तो मैं पहले बाहर का ड्रॉ कर रहा हूँ। और हाँ गैस, अगर आप लोग ये सब टूल यूज कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो आपका फोटो ख़राब हो जाएगा गैस। यहाँ से मैं जल्दी से इसे कर लेता हूँ और इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाया होगा, इसको एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने जो एडिटर दोस्त है उस पर शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ इसको गैस। तो ये देखिए गाइस कितना हमारा मस्त तरीके से एक सीवी लुक ऐड हुआ है कपड़े में, बहुत ही नया जैसा लग रहा है और ये बैकग्राउंड पर मैच भी कर रहा है गाइस, रेड ब्लू, और देखने भी काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। आप लोग को भी कुछ इस प्रकार से ही ऐसे कर देना है। इतना हमारा हो गया गाइस, जो हमारा थोड़ा सा बचा कुचा वो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मेरा अच्छा से नहीं हुआ है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब यहाँ से आपको करना है गैस की फोटो को कर देना है सेव। ये देखिए हमारा हो चुका है, यहाँ से हम फोटो को कर लेते हैं सेव। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है गैस, लास्ट स्टेप है, फेस को स्मूथ कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको ऑटोडेस्क स्केचिंग कैप को ओपन करना पड़ेगा गैस, जिससे हमारा फेस स्मूथ बहुत ही HD में होता है और बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। तो इधर ये ऑटोडेस्क स्केचिंग ये रहा गैस, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो ये वाले टूल है इस पर क्लिक कर देना है। आप लोगों को कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है गैस कि किससे फेस स्मूथ किया, सिंपली ये जो टूल है ना गैस, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये जो पूरा टूल है बहुत ही मस्त टूल है, जिसमें से मैं ये टूल यूज़ करता हूँ। और इसका सेटिंग आपको भी कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, बस एक एक रख देना है और साइज को अपने हिसाब से कर लीजिएगा गैस, और सिंपली फोरहेड पर इसे ऐसे कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छी तरीका से ये स्मूथ होगा गैस। तो मैं इसका साइज को बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा साइज को इसको बढ़ा लेता हूँ। और ये बहुत ही मस्त टूल है गैस फेस को स्मूथ करने का। बस आपको फेस स्मूथ करते समय ये ध्यान रखना है गैस कि आप अपने फोटो को चारों तरफ से घुमाकर और एक शेप में स्मूथ कीजिए। अगर जो आप हेयर वाले पार्ट पर भी इसे चला देते हैं तो फिर ये बेकार लगने लगेगा फोटो, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए गाइस मैं किस तरीके से स्मूथ कर रहा हूँ, सिर्फ अपने स्किन के पार्ट को स्मूथ कर रहा हूँ, बाकी कोई पार्ट को मैं स्मूथ नहीं कर रहा हूँ गाइस। तो ये देखिए मैं सिर्फ अपने स्किन के पार्ट को स्मूथ कर रहा हूँ, इसके साइज को मैं बढ़ा घटा कर जो हमारा फेस के साइज है उसके हिसाब से स्मूथ कर रहा हूँ, मैं बियर्ड पर इसे नहीं चला रहा हूँ। और जिससे हमारा बहुत ही HD में स्मूथ हो रहा है गैस, देखने में बहुत रियलिस्टिक लग रहा है, कोई फेक स्मूथ नहीं लग रहा है गैस, बहुत ही रियलिस्टिक स्मूथ लग रहा है हमारा ये। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाया हूँ गैस, पूरा CV का जो ट्रिक होता है, सीक्रेट ट्रिक्स जो आपको कोई बताता नहीं है,
वो सब मैं बता दिया हूँ इस वीडियो में गाइस। तो बस आप लोग को वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ से साइज को बढ़ा लीजिए, देखिए कितना मस्त हमारा हो रहा है। हम गर्दन वाले पार्ट को स्मूथ करते तो अपने साइज को बढ़ा लेते हैं गाइस। ये देखिए हमारा कितना मस्त तरीके से फेस स्मूथ हो चुका है गाइस। आप लोग चाहे तो इसे हाथ पर भी स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको और भी एक ट्रिक और है जिससे आप फेस को गोरा कैसे कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ से शेयर पर क्लिक कर देना है गाइस, फिर अदर्स पर क्लिक कर देना है आपको। ये हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है गाइस, और ये बहुत ही मस्त ट्रिक है गाइस, आप अपने फेस को गोरा कर सकते हैं। बस आपको टूल्स पर फिर से क्लिक कर देना है, देन यहाँ से आप लोग को सिलेक्टिव पर क्लिक कर देना है इस पर, और आपको इसको बस फेस की ओर ले जाकर इसको सर्कल को कम कर देना है और इसका ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। तो ये देखिएगा इस कितना हमारा शानदार तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से फेस जो है गोरा हो गया गाइस, बहुत ही मस्त हो गया। आप इसको जितना बढ़ाइएगा उतना आपका फेस गोरा लगेगा। तो मैं इसे अपने हाथ पर भी कर लेता हूँ ताकि हमारा फेस ना लगे फोटो, तो मैं हाथ पर भी इसे बढ़ा लेता हूँ। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।